मैं आप सभी को आपका यह पवित्र गांव घोड़ पोखर प्रखंड उदवंत नगर जिला भोजपुर बिहार राज्य के इस पवित्र प्रांगण में मैं 5 दिनों का योगाभ्यास का चौथा दिवस है प्रातः वेला में आपको मैं आज एक ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताने का प्रयास करूंगा जिसका नाम है इलोए। क्या नाम है? इलोए। इसको अमृता भी कहते हैं शास्त्रों में, इसका नाम अमृता भी है। अब यार इलोए का इतना लाभ है कि किसी को टाइफाइड की बीमारी है, मियादी बुखार है, मलेरिया है या सामान्य स्थिति में भी बुखार लग जाए तो इसके एक बिट्टा यानी 9-10 इंच के बराबर काट करके रात्रि को इसे थोड़ा पूज देते हैं और एक ग्लास में इसे डाल देते हैं और सुबह मसल के छानकर पानी को पी जाते हैं या उस पानी को खौला करके छान करके पीते हैं तो कभी जीवन में बुखार नहीं लग सकता है। दूसरी बात, हमारे भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, रोग को रोकने की ताकत हमारे शरीर में होता है और वह ताकत जब हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं और माँ का पहला दूध जब पीते हैं, बहुत सारे लोग अज्ञानवश माँ के दूध को निकाल के फेंक देता है, लेकिन पहला दूध माँ का जिसने पिया है वह व्यक्ति कम बीमार पड़ेगा, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहता है और वही ताकत इस इलोए में है। यानी इसको लेने से, इसको मान के चलिए कि यह एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है और यह हमारे भीतर किसी भी तरह के बीमारी को बचाने की पूरी ताकत है। आपके यदि हीमोग्लोबिन कम है, शरीर में दर्द हो रहा है, पैर दर्द कर रहा है, आपका WBC RBC घट रहा है, डेंगू की बीमारी आजकल दुनिया में इसकी कोई दवा नहीं है, तो इलोए ये वाला एक एलोवेरा पौधा होता है उसका और तुलसी का पत्ता, पपीते के पत्ते का रसा और बकरी का दूध नहीं है तो गाय का भी दूध लेने से डेंगू की बीमारी को हम लोग जड़ से भगा सकते हैं। ये हर जगह उपलब्ध है पूरी दुनिया में, आपके शीशम के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर, नीम के पेड़ पर, अलग अलग वृक्षों पर यह जमा हुआ है हजारों वर्षों से। इसके छिलके को ऐसे खींचते हैं तो सड़क जाता है और इसके अंदर एक लसलसा पदार्थ जैसा आता है और इसको आप चबा भी सकते हैं, सुबह मुंह धोकर खाली पेट में काट लेना है और मुंह में चबा करके इसको अंदर घोट जाना है। तो आपको यदि शुगर की बीमारी होगी, मधुमेह की नहीं ठीक हो रहा है तो गिलोय का सेवन शुरू कर दीजिए, माइग्रेन की बीमारी है इसका सेवन शुरू कर दीजिए, जोड़ों का दर्द है इसका सेवन शुरू कर दीजिए, गैस कब्ज की समस्या है उसमें सेवन कर दीजिए, यानी तमाम तरह की बीमारियों का सफाया करने का एकमात्र उपाय है यह इलोए। यह परमात्मा का वरदान है, ईश्वर का यह प्रसाद है हमें, इसलिए आप सभी को घर में लगाना है। यदि घर में किसी को भूत पिशाच का भाव भर गया है तो दाहिने तरफ दरवाजे के एक ही गमला में या खोद करके गिलोय इसको लगा देने से जम जाता है बगैर जड़ का भी। गिलोय, तुलसी और एलोवेरा तीनों एक साथ लगा दीजिए दरवाजे के दाहिने तरफ तो आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि, आपके घर में भूत पिशाच जैसे नकारात्मक तत्वों से मुक्ति और सुबह सुबह दर्शन करने से और इसका सेवन करने से आपको जीवन भर
रोग नहीं सताएगा, इसका इतना ताकत है। तो आज आप, मैं आपके बीच इसको लाया था तोड़ करके, मैं चाहूंगा कि इसमें से थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाएगा और घर में इसको रोप दीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा, ये जम जाता है और देखने में इतना बढ़िया लगता है कि दरवाजे पे लगा दे तो पान के पत्ते जैसा हो जाता है, देखने में भी सुंदर हरा हरा हमेशा, और ये फल देता है छोटा छोटा अंगूर जैसा हरा हरा, पकने पर ये लाल हो जाता है। तो आप इस किलोए का सेवन रोज करिए और हमेशा बीमारियों से बचे रहिए।